أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये भाई सब जाएंगे, पेपरों में किसी की भी छुट्टी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस आदिया इरफान, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आपको एक न्यू व्लॉग में, एक नए दिन के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। आई होप कि आप अपने घरों में सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे और खुशियाँ खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट मंथ में मैंने एक वीडियो डाली थी जिस पे मुझे बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए थे और कमेंट्स भी बहुत सारे आए थे, और वो टॉपिक था सूरह बकरा, हाउ सूरह बकरा चेंज माय लाइफ। और इसके अलावा मैंने एक इनफर्टिलिटी पे यानी बे औलादी पे एक वीडियो बनाई थी और उसके हवाले से मैंने वज़ाइफ़ वगैरह दिखाए थे, बताए थे। तो उस हवाले से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इंस्टा पे मुझे DMs आए, काफ़ी सारी सिस्टर्स ने मुझसे रब्ता किया कि किस तरीके से ये वाला हमें वजीफ़ा करना है और क्या क्या हमें करना चाहिए इस हवाले से, बे औलादी के हवाले से। तो बस आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सूरह बकरा के हवाले से हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी जोड़े बे औलाद हैं, अल्लाह ताला ने अभी तक उन्हें औलाद से नहीं नवाजा है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इन शादीशुदा जोड़ों को ट्रोल करते हैं या फिर उनसे बार बार पूछते हैं या फिर उन्हें अपनी राय देना चाहते हैं कि आप यहाँ जाके इलाज करवाएं, यहाँ जाके इलाज करवाएं या क्यों नहीं हो रहा। तो देखें, औलाद होना ये आपके हाथ में नहीं होता, और अगर हमें अल्लाह ताला ने औलाद नवाजी है तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, और अगर उन लोगों को औलाद नहीं अभी तक अल्लाह ताला ने नवाजी तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप उनसे पूछना और उन्हें बार बार ट्रोल करना या उन्हें बार बार इस तरीके से ज़हनी अजियत का शिकार कर रहे हैं आप, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें, क्योंकि जिन लोगों की औलाद नहीं होती वो ख़ुद सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। तो मज़ीद उनसे इस टॉपिक पर बात करने से बेहतर है कि आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें। और बेशक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि जिसे चाहे अल्लाह ताला बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे थे और जिसे चाहे बे औलाद रखे, तो ये सिर्फ उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसलिए बेहतर ये कि हम अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और जो जिन लोगों के पास अभी तक औलाद नहीं है तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। बस बेहतर ये है कि हम उनके लिए दुआएँ करते रहें। तो मेरी एक सिस्टर जो कि मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे कि आप मुझे इस हवाले से मुझे बात करनी है, और वो उनकी अभी तक उन्होंने कंसीव नहीं किया है और काफ़ी शादी को उनके अरसा हो चुका है। तो मैं दुआ करती हूँ कि सिस्टर आपके जल्द से जल्द आपको गुड न्यूज़ मिले, आप कंसीव करें और बहुत जल्द आपको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से मालामाल करे। और सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बस आप सूरह बकरा की और सूरह रहमान की तिलावत करती रहें। और इसके साथ साथ जितनी भी मेरी ख़वातीन सब्सक्राइबर सुन रही हैं, तो वो भी अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी खातून है, कोई ऐसी लड़की है जो कि इस मसले से दो चार हैं, या कोई ऐसा जोड़ा है शादीशुदा जो कि इस मसले से दो चार है, तो उन्हें बताएं कि सूरह रहमान रोज़ाना सूरह रहमान की तिलावत करें, सूरह बकरा की तिलावत करें। अगर रोज़ नहीं कर सकती तो कम से कम एक रुकू सूरह बकरा का लाजमी पढ़ें, एक पेज लाजमी पढ़ें। और सूरह रहमान इतनी बड़ी नहीं है, वो आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरह बकरा की कम से कम एक रुकू आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। और इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह ताला इसके सदक़े में मेरे तमाम तर मसाइल, मेरी जितनी भी जायज़ मुरादें वो कबूल करेगा और तमाम तर मसाइल मेरे दूर होंगे, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुझे औलाद की नेमत से अल्लाह ताला नवाजेगा। यकीन करें आप, यकीन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अल्लाह पर यकीन करेंगे ना तो अल्लाह आपको उसी के मुताबिक अता फरमाएगा। अगर आप ये सोचेंगे पता नहीं मेरी औलाद होगी नहीं होगी, या मेरा कोई कसूर है, या मुझ में कोई कमी है, या मेरे शोहर में कोई कमी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको मुकम्मल यकीन, मुकम्मल अकीदा रखना है और इंतज़ार करना है। बस अल्लाह के दरबार में आप रो रो के गिड़गिड़ा कर मांगेंगे ना, जो चीज़ वो आपको देर या सवेर ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मैंने पर्सनली इस बात का तजर्बा किया है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस
पूरे सिलसिले से, एक पूरे मरहले से मैं गुज़री हूँ। कई साल मैंने ये सब कुछ देखा है कि किस तरीके से हम जो है ना परेशान रहते हैं, ज़हनी तौर पर अज़ियत हमें मिलती रहती है, और किस तरीके से हम इंतज़ार करते हैं, कितना यानी कि ना मुश्किल वो मरहला होता है जब हम गुज़र रहे होते हैं। तो मैं बिल्कुल आप लोगों की तकलीफ़ से बिल्कुल आशना हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या सोचते होंगे और किस तरीके से आप लोग इंतज़ार करते होंगे और कितना परेशान रहते होंगे। तो प्लीज़ आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, फ्रेश रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह आपकी मुराद को कबूल फरमाएगा। तो बस आप सूरह रहमान की रोज़ाना तिलावत करें, और अगर आप पढ़ना नहीं जानते, आप पढ़ नहीं सकते, तो आप सुनें, क्योंकि आजकल यूट्यूब का दौर है और मोबाइल में आपको हर तरह की सूरत की तिलावत मिल जाती है। तो कम से कम आप रोज़ाना सुनने की ये रूटीन बना लें और पढ़ने की रूटीन बना लें इंशाल्लाह, और दुआ जब आप सुन लें, सुन के ख़त्म हो जाए या फिर पढ़ें और पढ़ के पूरी सूरत ख़त्म हो जाए, तो ज़रूर दुआ किया करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर आप दुआ करें। इसके साथ साथ मैंने वजीफ़ा भी शेयर किया था आपसे, जो कि मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस था और मैंने जो खुद देखा, खुद महसूस किया, वो मैंने आपसे शेयर किया था। कहीं से सुनकर पढ़कर मैंने इसको नहीं बताया था, बल्कि मैंने खुद इससे सरवाइव किया था, इससे मैं निकली थी इनफर्टिलिटी से, और ख़ुद मैंने ये वजीफ़ा किया था, जिसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं सब, और हम सब मिलके बहुत ही एक हैप्पीली लाइफ गुजार रहे हैं। तो वजीफ़ा ये था कि सबसे पहले आपको नियत करनी है कि अल्लाह ताला मैं 7 दिन के रोज़े रखूँगी और औलाद की हुसूल की नियत से मैं रोज़े रखूँगी। तो 7 दिन के आपको लगातार रोज़े रखने हैं, उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, लगातार रोज़े रखें। और उसके बाद जो है ना, जब अफ्तार का वक्त आए तो एक गिलास पानी पर आपको 21 मरतबा या खालिकू या बारियू या मुसव्विरू पढ़ना है। 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उस पानी पे दम करना है, और उस पानी से आपको रोज़ा अफ्तार करना है, और उसके बाद दुआ करनी है। रोज़ा इफ्तार करें तो उसके बाद दुआ करें कि अल्लाह ताला इस रोज़े के सदक़े में, इसकी बरकत से अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज़, और फिर रात को सोते वक्त आपको फिर से सूरह रहमान और सूरह बकरा की तिलावत करनी है। अगर सूरह बकरा रोज़ नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम एक रुकू पढ़ने की ज़रूर नियत करें। रात में अच्छी नींद आएगी, डरावने ख्वाब नहीं आएंगे, भरपूर नींद आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, मुश्किलें आसान होगी, घर में बरकतें होंगी, रिस्क में बरकतें होंगी, औलाद में बरकत होगी, और उम्र में बरकत होती है बहुत सारे। आज तक कोई सूरह बकरा की मुकम्मल फ़ज़ाइल की तफसील बयान नहीं कर पाया, क्योंकि अल्लाह जानता है कि इसमें कितनी बरकतें छुपी हैं, इसके कितने फ़ज़ाइल हैं। सूरह बकरा घर में सुबह में मैं तिलावत रोज़ाना लगाती हूँ, और इसके बिना शायद मेरी सुबह अधूरी होती है, कि अगर मैं जिस दिन सूरह बकरा की तिलावत ना सुन पाऊँ, तो उठते के साथ ही मैं, जब बच्चे मेरे चले जाते हैं, उसके बाद मैं सूरह बकरा की तिलावत लगाती हूँ, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ज़हनी तौर पर भी आपको इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है सूरह बकरा की तिलावत सुनने से, न सिर्फ पढ़ने से, बल्कि जब आप कानों से सुनते हैं और ग़ौर से सुनते हैं, तवज्जो के साथ सुनते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आपको इन सारे मामला से जब आप गुज़र रहे होते हैं, तो यकीनन आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, आपको ख़ुद पता नहीं चल रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो अगर आप ये सब मेरे बताए हुए अमल पर आप इस पे चलेंगे, इस पे अमल करेंगे, तो यकीनन मुझे पूरा यकीन है आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। और जब भी आपको इससे फ़ायदा हो, तो मुझे ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला जिन जिन लोगों को अभी तक औलाद नहीं है, उन सबको अल्लाह ताला औलाद से नवाजे, जिसको बेटी की चाहत है उसे बेटे से नवाजे, जिसको बेटी की चाहत है उसके वो बेटी से नवाजे, और जिसको दोनों की चाहत है उनको दोनों से नवाजे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए। और बस साथ साथ मेरा यहाँ व्लॉग भी चल रहा है, आज मैंने बनाई है खड़े मसाले के स्टाइल से तुरई, जो कि मैं अक्सर आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो ये वाली रेसिपी नहीं देखी है, तो पीछे मेरी वीडियोस मौजूद हैं, या फिर मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही आसान तरीके से तुरई बनाई है मैंने,
और बस सारा दिन की रूटीन यूं ही चलती रहती है। बहुत बिजी दिन गुजरा था आज का भी, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसलिए उनको पढ़ाना, उनको छोड़ कर आना, उनको लेकर आना, उनको दोबारा से उनकी स्टडी करवाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बस खाना वाना सब बना लिया है मैंने, आज मैंने सुबह ही जल्दी बना ली थी सब्ज़ी, क्योंकि आज दोपहर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने जल्दी बना ली थी सब्ज़ी। और बस आज बच्चों को शावर वगैरह दिला के इनको रेडी करा दिया था, यहाँ पर नमाज़ का टाइम हो रहा था इसलिए सब नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और मैं भी बस नमाज की तैयारी करती हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि किसी भी वजीफे का अमल जो है ना वो नमाज के बिना अधूरा है। एज अ मुस्लिम आपको पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, जितना भी हो सके ना आपको पूरा अपने नफ्स पर जोर डालना चाहिए कि मुझे हर हालत में नमाज पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है, पाँचों वक्त की नमाज़ अदा करनी ही करनी है। तो बस इंशाल्लाह एक वक्त से शुरू करें, एक से दो वक्त की, दो वक्त से तीन वक्त की, और वक्त आता जाएगा कि एक वक्त पर आप पर पांचों टाइम की जो नमाज़ है ना आपको उसकी ऐसी आदत लग जाएगी कि उसके बिना आपको लगेगा कि नहीं कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। तो बस इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला नमाजी बनाए, परहेजगार बनाए, सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, मुझे भी अल्लाह ताला पांचों वक्त की नमाज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अल्लाह ताला नेमतों से नवाजे, बिलखसूस औलाद जैसी बड़ी नेमत से नवाजे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे अपने ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।